नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा और 24,000 की अर्थदंड से किया दंडित। 14 फरवरी 2023 को जवाजा थाने में पीड़ित परिवार की ओर से दर्ज कराया गया था मुकदमा। अजमेर जिला एवं सेशन न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा और 24,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी पीड़िता को घूमने के बहाने अहमदाबाद ले गया और होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि 14 फरवरी 2023 को जवाजा थाने में पीड़ित परिवार की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। बताया कि उनकी बेटी बिना बताए घर से निकल गई और देर शाम तक जब वापस नहीं लौटी और तलाश की गई तो उसका कुछ पता नहीं चला। जवाजा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पीड़िता को पकड़ा। पीड़िता ने 161 और 164 सीआरपीसी के बयानों में बताया कि बड़ कोचरा निवासी राजेंद्र सिंह 12 फरवरी को उसे घूमने के बहाने मोटरसाइकिल पर बिठाकर स्टेशन ले गया और वहां से ट्रेन में बिठाकर अहमदाबाद लेकर गया और जबरन होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परियार ने बताया कि मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अभियोजक पक्ष की ओर से 14 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए। इसके बाद जज ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी राजेंद्र को 20 साल की सजा के साथ आरोपी पर 24,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6,00,000 रुपए दिलाने की अनुशंसा भी की है। मजिस्ट्रेट ने मामले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि नाबालिग बालिका को 22 साल का युवक उसके माता पिता की अनुमति के बिना गांव के बाहर बुलाकर ट्रेन से अहमदाबाद ले गया, होटल में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित कर अपराध कारित किया है। आरोपी के साथ किसी प्रकार की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र चिमन सिंह निवासी बड़ कोचरा उम्र 22 साल को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 24,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। घटनानुसार परिवादी ने दिनांक 14 फरवरी 2024 को पुलिस थाना जवाजा में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि 12 फरवरी 2024 को उसकी बच्ची दिन में 11 बजे घर पर ही थी और वो किसी काम से बाहर गया था और शाम को जब वापस आया तो उसकी बच्ची घर पर नहीं मिली। उसे काफ़ी ढूंढा, तलाश किया, नहीं मिलने पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना जवाजा में दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कर और पीड़िता को ढूंढा, तलाश किया तो पीड़िता को पुलिस अहमदाबाद स्थित एक होटल से दस्तयाब करके लेकर आई। जब पीड़िता अजमेर जवाजा थाने पर आई उसके 161 के बयान और माननीय न्यायालय के समक्ष उस पीड़िता के 164 के बयान लेखबद्ध कराए गए। उन बयानों में पीड़िता ने बताया कि दिनांक 12 तारीख को जब वो घर पर थी तो राजेंद्र ने उसे फ़ोन कर उस पर दबाव डालकर उसको गांव के बाहर बुलाया और वहां से उसे ले गया और उसको बस ट्रेन में बैठाकर अहमदाबाद लेकर एक होटल में रखकर उसे लगभग 3-4 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 29 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। पीड़िता और अभियुक्त के जो सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भिजवाए गए उन सैंपलों से भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने की घटना की पुष्टि हुई। इन सभी पर विश्वास करते हुए माननीय न्यायालय ने आज अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 24,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6,00,000 रुपए अलग से दिलाए जाने के आदेश किए। कितने गवाह और कितने दस्तावेज? 14 गवाह और 29 दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त प्रकरण में करवाए गए।